भैया पूरी दुनिया घूम लो, हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज के वक्त में भी सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में रोजाना हजारों सेकंड हैंड फोन दुकानों में बिकते भी हैं। बट ये सेकंड हैंड फोन खरीदने की सबसे बड़ी मजबूरी है पैसा। लोगों के पास पैसा नहीं है और शौक है प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के, मतलब खरीदना है 50,000 वाला स्मार्टफोन, उसी फोन को यूज करना है, बट यार पैसा है सिर्फ 25,000 रुपए। अब 25,000 में तो वो फोन मिलेगा नहीं, तो सिंपल है उस बंदे को उस फोन को सेकंड हैंड ही खरीदना होगा। और वैसे भी इंडिया में सेकंड हैंड फोन का मार्केट काफी फलता फूलता रहता है। हो सकता है कि अभी इस वीडियो को आप जिस फोन में देख रहे हैं इस फोन को भी आपने सेकंड हैंड ही खरीदा हो, और सेकंड हैंड फोन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। भाई मैंने भी एक वक्त में सेकंड हैंड फोन खरीदा था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था। और अगर आपने भी सेकंड हैंड फोन खरीदा है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपने चेक किया होगा कि उस फोन की डिस्प्ले सही चल रही है नहीं चल रही, कैमरा चल रहा है, पीछे का फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, फ्लैश लाइट जल रही है, माइक सही है, स्पीकर सही है, ये सही है, वो सही है, फलाना ढिमकना, सारी चीजें चेक तो की होगी। ऐसा मैंने भी किया है और सभी लोग करते हैं। जब भी सेकंड हैंड फोन खरीदना होता है तो हम चेक करते हैं कि उस फोन में सारी चीजें काम कर रही है नहीं कर रही, चाहे बेचने वाला कुछ भी बोले, चाहे बेचने वाला ये भी कहे कि भाई बिल्कुल सही फोन है, 100% कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी हम सारी चीजें चेक करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्रॉड। भाई आज के वक्त में ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि कभी भी बेचने वाला नहीं बताएगा कि उस फोन में क्या दिक्कत है, आपको ये सब कुछ ढूंढना होगा। तो यहां पर क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमें बताए कि भाई हमारे स्मार्टफोन में क्या दिक्कत है? क्या कोई डॉक्टर हमें यह बता सकता है कि हमारे फोन में क्या खराबी है? तो मैं कहूंगा हाँ, एक ऐसा डॉक्टर है जो आपको बता सकता है कि आपके फोन में क्या खराबी है, आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है। और वो डॉक्टर ये भी बताएगा कि आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप अपने फोन का चेकअप करवाना चाहते हैं उस डॉक्टर के पास, या फिर कोई सेकेंड हैंड फोन खरीदें उसका चेकअप करवाना चाहते हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि ये डॉक्टर कमाल का है। तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और उस ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर डायरेक्ट आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मगर इसके पहले आप इस ऐप को सारी परमिशन दे दीजिए, तभी ऐप प्रॉपरली काम करेगी, तो इसका आपको खास ध्यान देना है। तो मैंने यहां पर सारी परमिशन दे दी है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिवाइस डिटेल्स के नाम पर। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें, क्लिक करते ही यहां पर आप अपने स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं, जैसे कि भाई मैन्युफैक्चर क्या है, मॉडल नंबर कौन सा है, ब्रांड कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, स्क्रीन की साइज कितनी है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, स्क्रीन की डेंसिटी कितनी है, टोटल रैम कितनी है, अवेलेबल रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है और अवेलेबल स्टोरेज कितनी है। यानी कि एक तरह से कहूं तो आप अपने स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में सारी जानकारियां यहां से ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहां पर आप एंड्रॉइड वर्जन के बारे में जान सकते हैं, जो कि ये तो आम बात है, बट खास बात ये है कि यहां पर आप एपीआई लेवल जान सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन का एपीआई लेवल कितना है, और एक बात के रूट एक्सेस है या नहीं है वो भी आप यहां पर पता लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर बैटरी के बारे में तो बैटरी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी की हेल्थ कैसी है, गुड है, बैड है, पूर है। साथ साथ में यहां पर आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं, बैटरी के टेम्परेचर के बारे में भी जान सकते हैं, और साथ साथ में आपके स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी कितनी है, कितने 1000 mAh की है, तो वो भी आप यहां पर पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोन रिपोर्ट के नाम से। सिंपल अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक तरह से आप अपने स्मार्टफोन का माइक वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि हेलो आप देख सकते हैं मेरा माइक काम कर रहा है तो मैं यहां पर यस कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर अभी आवाज आ रही है, आपको भी अभी आवाज आ रही होगी, तो ये भी काम कर रहा है तो मैं यस कर रहा हूं। स्मार्टफोन वाइब्रेट, हाँ भाई वाइब्रेट भी कर रहा है तो मेरा वाइब्रेटर भी काम कर रहा है, मतलब स्मार्टफोन का वाइब्रेटर काम कर रहा है। कैमरा भी वर्क कर रहा है तो मैं यस कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्रंट कैमरा भी वर्क कर रहा है जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो चलिए मैं ऐसे भी यस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से एक एक करके आप अपने स्मार्टफोन के सारे सेंसर चेक कर सकते हैं, तो वर्किंग फाइन, यस, सब कुछ यस, और यहाँ पर सेंसर है तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सब कुछ आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन के जितने भी सेंसर है वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब सबसे कमाल की बात आती है यहाँ पर हार्डवेयर टेस्ट के बारे में। इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, ये कुछ काम का नहीं है आपके हार्डवेयर टेस्ट के बारे में, ये काफी कमाल की चीज है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो मैं रेड पर क्लिक करता हूँ, तो ओके पहले मैं ओके कर देता हूँ, एक मिनट, ओके अब मैं रेड पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों तीन कलर प्रॉपरली आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेड हो चुका है, यानी कि काम कर रहा है। और ग्रीन आप देख सकते हैं पूरा स्मार्टफोन ग्रीन हो चुका, मतलब स्मार्टफोन की स्क्रीन ग्रीन हो चुकी। और ब्लू, चलो मतलब ये तीनों तीन कलर मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर प्रॉपरली आ रहे हैं, यानी कि स्क्रीन ओके है। अब अगर हम बात करें माइक के बारे में तो यहां पर हेलो बोल रहा हूं, मेरा माइक काम कर रहा है, ओके। अब रिसीवर, मतलब अगर रिसीवर भी काम कर रहा है, ओके। तो यहां पर आप एक एक करके सारी चीजें चेक कर सकते हैं।
हार्ड की, हार्ड की में ये काफी कमाल की चीज है, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि वॉल्यूम अप, तो यहां पर आप वॉल्यूम अप दबाएंगे, देखो हाँ टिक मार्क हो चुका है। वॉल्यूम डाउन, ओके, ये बैक की ये रही बैक की, रिसेंट की ये रही रिसेंट की, ओके ये काम करी। होम की भी काम कर रही है, और पावर की, तो ये रही हमारी पावर की, तो पावर की भी काम कर रही है। मैं इसे अनलॉक कर देता हूं, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे हार्ड कीज जो है ना, मतलब काम कर रहे हैं। अब हम एक बार बैक करते हैं। इसी तरह से सेंसर है, टच है, स्पीकर है, फ्लैश लाइट है, सारी चीजें एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नेटवर्क टेस्ट के बारे में, तो यहां पर आप अपने स्मार्टफोन का नेटवर्क भी टेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भाई नेट कोड जो है आपका 5 है, कंट्री कोड क्या है, रोमिंग में है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर पता लगा सकते हैं। अदर टेस्ट के बारे में बात करें, तो यहां पर होगा ये कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई आपका स्मार्टफोन कहीं क्लोन तो नहीं, कहीं कॉपी फोन तो नहीं, तो आप अपने स्मार्टफोन के IMEI नंबर से चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो सिंपल है, मेरे स्मार्टफोन का IMEI नंबर शो हो जाएगा आपके सामने। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आपका स्मार्टफोन का IMEI नंबर जो आ जाएगा, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम है IMEI.info। सिंपल है आप अपने IMEI को यहां पर पेस्ट कर दीजिए, चेक कर दीजिए। अगर आपका स्मार्टफोन क्लोन है तो यहां पर गड़बड़ आ जाएगी, मतलब कोई दूसरे ही फोन का नाम यहां पर दिखाई देगा, या फिर आपके स्मार्टफोन में कोई दूसरे स्मार्टफोन का IMEI नंबर लगाया हुआ है, तब भी यहां पर बता देगा भाई कि ये आपका स्मार्टफोन नहीं है, कोई दूसरे स्मार्टफोन का IMEI नंबर है। तो यहां पर आप अपने स्मार्टफोन का IMEI नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि भाई आपका फोन रियल है या फिर फेक। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जो सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं, या फिर किसी ने खरीद लिया है उसे पता नहीं कि उसके फोन में क्या क्या दिक्कत है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, उस ऐप को ट्राई करने के बाद उसे भी पता चल जाए कि उस फोन में क्या दिक्कत है। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई ऐप्स के बारे में, नई नई ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।